शिक्षा सुधार ये एक लॉन्ग टर्म और उसमें बिल्कुल एक सोशल आपको सहमति चाहिए। हमें नहीं लगता है कि शिक्षकों को आतंकित करके उनके ऊपर कार्रवाई करके कोई कोई तानाशाह टाइप कोई नौकरशाह अगर आ जाए इससे कोई होता है, ये बदलाव का रास्ता नहीं है। और इसीलिए हम तो कहेंगे कि ऐसे रास्ते पर बिहार को ना धकेला जाए। नीतीश जी खुद ही तो समाधान यात्रा पर निकले थे, तो समाधान यात्रा का तो मतलब ये है कि समस्या है तब तो हम समाधान की बात कर रहे हैं, तो समस्याओं का समाधान बात करके मिलजुल करके बैठ करके उसी रास्ते से निकाला जाना चाहिए, किसी बहुत अफसरशाही के जरिए समाधान नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरनेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह, शिक्षक विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है के पाठक, जिस तरह से अभी शिक्षा विभाग में कार्रवाई कर रहे हैं जिसको लेकर भाकपा माले के जो राष्ट्रीय महासचिव है दिवाकर भट्टाचार्य, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी अधिकारी के दमन करने से शिक्षा विभाग में नहीं सुधार की जा सकती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षक के मुद्दे को लेकर ही सरकार में आए थे, तो इस तरह के कार्रवाई को साफ तौर पर शिक्षा जो नीतीश कुमार को देखना चाहिए। पहले क्या कुछ करें दिवाकर भट्टाचार्य, पहले सुन उनकी बातों को। नहीं, हमें तो लगता है कि जैसे देखिए कोई भी बदलाव आता है तो बदलाव तो किसी अधिकारी के जरिए और दमन के जरिए आतंक पैदा करके बदलाव नहीं आ सकता है। बदलाव आता है समाज के अंदर से। तो शिक्षा में बिहार में जैसे सुधार, उसकी गुणवत्ता से लेकर के हर मामले में सुधार की ज़रूरत है। नीतीश जी की शुरुआत ही तो हुई थी शिक्षा आयोग से, वो आज भी हम नहीं भूले हैं। शिक्षा आयोग उसकी सिफारिशें थी, वो लागू नहीं हुई। इसलिए शिक्षा सुधार ये एक लॉन्ग टर्म और उसमें बिल्कुल एक सोशल आपको सहमति चाहिए। हमें नहीं लगता है कि शिक्षकों को आतंकित करके उनके ऊपर कार्रवाई करके कोई कोई तानाशाह टाइप कोई नौकरशाह अगर आ जाए इससे कोई होता है, ये बदलाव का रास्ता नहीं है। और इसीलिए हम तो कहेंगे कि ऐसे रास्ते पर बिहार को ना धकेला जाए और जो भी मुद्दे हैं आंदोलन है उसकी भी बात सुनी जाए। और बाकी अगर कोई नई नीति अगर हो तो कभी भी कोई नई नीति आती है वो रिट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होती। ये जो पूरे शिक्षा में मामले में रिक्रूटमेंट की नई नीति है, हमें नहीं लगता है कि नए आज के नौजवानों को बहुत दिक्कत होगी, लेकिन जो इतने दिनों से नियोजित शिक्षक हैं अगर उनके ऊपर आप इसको थोपेंगे और उनसे अभी कहेंगे उनको असुरक्षा में डाल देंगे ये ठीक नहीं। यानी आपको लग रहा है कि केके पाठक दमनगई कर रहे हैं, आपको लग रहा है केके पाठक दमनगई कर रहे हैं? नहीं, हमने तो कहा कि भाई वो जो उनकी कार्रवाई है हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। और इस तरीके की कार्रवाई ये पूरे बिहार में चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट में इस तरह की कोई कार्रवाई शुरू हो तो वो सही रास्ता नहीं है। नीतीश जी को खासम खास है नीतीश को तरह से नहीं, अलग अलग मंत्रालय, इसलिए हमने तो पूरी सरकार पर हमने कहा है। हम तो कहते हैं कि सरकार खुद किसी कोई अलग मंत्रालय कोई अलग अधिकारी अलग मंत्री की बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि सरकार इस मामले में सरकार का जो रुख है वो बिल्कुल जो चाहे आशा हो चाहे शिक्षक हो चाहे समाज के दूसरा कोई भी तबका हो तो उनसे बात उनकी बात अगर है शिकायत है उसको सुना जाना चाहिए और चर्चा करके उसका हल निकालना चाहिए। मंत्री जी समय समय पर बयान देते रहे हैं केके पाठक को लेकर भी वो खुलकर बोलते रहे हैं, क्या लग रहा है अभी भी अफसरशाही जो है वो हावी है? अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी तो लोग तो यही कहेंगे। इसीलिए हमें लगता है कि सरकार, हमने तो बेंगलोर की बात कही है, बेंगलोर में हम लोगों ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट अडॉप्ट किया है इंडिया के तमाम जो गठबंधन में लोग हैं, अब उसके देखेंगे, उसके आखिरी पैराग्राफ में बात है कि गवर्नेंस का स्टाइल और सब्सटेंस ये दोनों में बदलाव की ज़रूरत है। एंड गवर्नेंस शुड बी रिस्पॉन्सिव शुड बी अकाउंटेबल, तो ये बात पार्टिसिपेटरी, ये बातें तो हम लोगों ने खुद वहाँ कहा। और इसीलिए वो जो स्टैंडर्ड है वो पैरामीटर्स वो स्टैंडर्ड तमाम सरकारों के लिए एप्लीकेबल है। हम उम्मीद करेंगे कि बिहार सरकार भी अपने गवर्नेंस की शैली में इसमें बदलाव लाएगी और यहाँ जो भी जनता के अंदर इस समय जिन सवालों को लेकर के नाराज़गी है सरकार सुनेगी। नीतीश जी खुद ही तो समाधान यात्रा पर निकले थे, तो समाधान यात्रा का तो मतलब ये है कि समस्या है तब तो हम समाधान की बात कर रहे हैं, तो समस्याओं का समाधान बात करके मिलजुल करके बैठ करके उसी रास्ते से निकाला जाना चाहिए, किसी बहुत अफसरशाही के जरिए समाधान नहीं हो सकता। भाकपा माले के जो राष्ट्रीय महासचिव है दिवाकर भट्टाचार्य, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि किसी के दबन के कार्रवाई करने से शिक्षा विभाग में सुधार नहीं लिया किया जा सकता है। साफ तौर पर इस पर नीतीश कुमार को संज्ञान लेना चाहिए और जिस तरह से बिहार में जो शिक्षा विभाग जो चरमराई हुए उस पर सरकार को देखना चाहिए। इस तमाम खबरों को न्यूज़ फोरनेशन के साथ, नमस्कार।